हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शमशाद शेख और आज आपको ये बताऊंगा कि जो SBI का क्रेडिट कार्ड है उसका एक एप्लीकेशन होता है फ्रेंड। अगर आपके पास SBI का अकाउंट नहीं भी है तो भी वो इंस्टॉल करके यू कैन मैनेज योर क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है SBI का, कौन सा भी क्रेडिट कार्ड है आपके पास, चाहे वो सिंपली से क्लिक प्राइम इलाइट हो या FBB कार्ड हो, सेंट्रल कार्ड हो, IRCT हो, एयर इंडिया हो, या टाटा क्रोमा का कार्ड हो, स्टार बाज़ार का हो, या BPCL का कार्ड हो, तो आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप यूज़र ID एंड पासवर्ड क्रिएट करके उससे आप कार्ड को मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास दो कार्ड हैं तो दोनों कार्ड उसी एक सेम एप्लीकेशन से यू कैन मैनेज, आपको दोनों कार्ड वहाँ से मैनेज कर सकते हो, आपका चेक कर सकते हो आउटस्टैंडिंग, और आप उसे पेमेंट, रिवर्ड पॉइंट्स, और आपको जो भी आप सारी चीज़ें आपको देखना, आउटस्टैंडिंग वगैरह कितना है, रिवर्ड पॉइंट कितना जमा हुआ, वो सारी चीज़ें यू कैन चेक इट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। आपको सिर्फ सर्च करना है SBI कार्ड करके, आपको सर्च करना है, एंड देन उसके बाद फर्स्ट में जो एप्लीकेशन आएगा उसे इंस्टॉल करना है। और इस जैसे इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स है फ्रेंड। अगर ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, पहली बात तो ये है आपका पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे बैंक्स हैं, सो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें सिर्फ HDFC, ICICI एंड कोटक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बिल्डेक्स में जाके डायरेक्टली ऑनलाइन से भी पेमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको ये है कि आप इस एप्लीकेशन से आपका एड्रेस चेंज कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, आपका रिवर्ड पॉइंट चेक कर सकते हो, और आपका डुप्लीकेट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका कार्ड अगर इनकेस आपने लॉस्ट हो गया तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें ये ऑप्शन है कि आपको कार्ड अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आपका अपग्रेड करना है तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद, 6 मंथ 12 मंथ के बाद आपको अपग्रेड का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। और फ्रेंड, इसमें ये है कि जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसे डायरेक्टली आप रिडीम कर सकते हो। आप वहाँ पे SBI का एक कैटलॉग है, वहाँ से भी जाके आप बिग बाज़ार वगैरह के वाउचर्स, रेमेंड वगैरह का है, काफ़ी सारा वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ से पॉइंट रिडीम कर सकते हो। और इसमें आपको फ्लेक्सी पे यानी कि EMI का ऑप्शन दिया हुआ है। EMI आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसे आप EMI में, उस एप्लीकेशन के हेल्प से आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, 6 मंथ लेके 36 मंथ तक का। और प्लस आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको 60 डेज़ का मिलता है, और उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन EMI 6 मंथ तक के लिए मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उनके सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। और बहुत ही यूज़फुल ऐप है, अगर ये कार्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको 90-80% तक आई थिंक आपको SBI कार्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी रहा बात कस्टमर केयर को कनेक्ट करने का, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसे देख के आप इजीली कॉल कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।